नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पांडे, बीएचएमएस एमडी एंड रिसर्च स्कॉलर। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो हियर आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि एक बहुत बर्निंग टॉपिक है फीमेल्स के लिए। जो बहुत ज्यादा इसका कॉमन सिम्टम है, दैट इज जो बर्निंग होती है और पेनफुल जो यूरिनेशन रहता है, वाइल यूरिनेटिंग काफी पेन और डिफिकल्टी होती है, जो फीमेल्स में काफी कॉमन है। तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है, या फिर कह लीजिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, इन्फेक्शन फिर उसी का होगा। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब यूरिन का जो पैसेज, जहां से यूरिन पास होगा। तो इसमें बेसिकली आपकी किडनीज आएंगी दोनों, उसके बाद यूरेटर आएगा, ब्लैडर आएगा, फिर यूरेथ्रा। तो ये जो चार चीजें हैं, ये चारों चीजें मिलकर बनाती है यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर इन चारों में से कहीं भी, किसी भी पैसेज में, किसी भी जगह अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, तो दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इंक्लूड करेगा जो भी आपका इंडिविजुअल किसी का भी इन्फेक्शन हो रहा है। अगर मान लीजिए किडनीज का इन्फेक्शन हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पाइलोनेफ्राइटिस। ब्लैडर का हो रहा है, तो दैट इज सिस्टाइटिस। और अगर यूरेथ्रा का हो रहा है, तो दैट इज यूरेथ्राइटिस। यूजुअली यूरेथ्रा का इन्फेक्शन होना ज्यादा कॉमन है। सो यूरेथ्राइटिस इज वेरी कॉमन अंडर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। कि जो फीमेल्स हैं, दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि उनकी जो एनाटॉमी होती है, जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है यूरेथ्रा और वजाइना का, इसकी वजह से उनमें जल्दी से इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं। फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होती है, वो भी काफी शॉर्ट होती है, तो जो इन्फेक्शन अगर बाहर से आ रहा है, तो वो जल्दी से इजीली ब्लैडर तक पहुंच सकता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके अलावा दो फीमेल्स आर मोर प्रोन टुवर्ड्स यूटीआई हु आर सेक्सुअली एक्टिव एज कम्पेयर टू द फीमेल्स हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। न्यू पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने से भी जो रिस्क है यूटीआई का, वो बढ़ सकता है। इसके अलावा जो फीमेल्स यूज करती हैं, जो बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करती हैं, स्पेशली जो डायफ्राम यूज करती हैं, वो रिस्क बढ़ाता है यूटीआई के लिए। इसके अलावा अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में अगर कोई भी स्पर्मिसिडल जो एजेंट्स हैं, जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने वाले कुछ एजेंट्स यूज किए जा रहे हैं, तो वो भी रिस्क बढ़ाता है यूटीआई का। इसके अलावा आफ्टर द मेनोपॉज, जब पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं, तो जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाता है, तो वो जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको और ज्यादा वल्नरेबल बनाता है, और ज्यादा रिस्की बनाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। तो आफ्टर द मेनोपॉज भी काफी कॉमन है। ये तो रहे कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स। कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बीमारी चल रही है, अगर कैथेटर का यूज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से यूटीआई हो सकता है, या कुछ भी यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर एबनॉर्मलिटीज, कुछ स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज है, उसकी वजह से हो सकता है। इम्यूनिटी अगर वीक है, तो वो और ज्यादा प्रोन करता है इन्फेक्शन के लिए। कोई भी अगर प्रोसीजर हुआ है यूरिनरी ट्रैक्ट में, या कोई भी अगर सर्जरी हुई है, माइनर सर्जरी हुई है, स्टोन किया, किसी भी चीज, कुछ भी प्रोसीजर अगर हुआ है, ऑपरेशन प्रोसीजर हुआ है, तो वो भी रिस्क बढ़ाता है यूटीआई के लिए। ये जो कुछ रिस्क फैक्टर्स थे, वो बेसिकली कुछ फीमेल्स के लिए हैं। इसके अलावा मेल्स में जो प्रोस्टेट है, वो यूटीआई का जो रिस्क है वो बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर आपको रिकरेंट किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है, अगर किडनी में पत्थरी की दिक्कत हो रही है, तो वो भी जो यूटीआई का रिस्क बढ़ाता है। जब भी आपको प्रेशर लग रहा है प्रॉपर एप्रोप्रिएट, तो प्लीज जाइए और ब्लैडर को खाली करिए, ज्यादा टाइम तक यूरिन को होल्ड करके ना रखें। अब हम जानेंगे कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसका क्या कॉज है, क्या कारण होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है इस ट्रैक्ट में। बॉडी में जगह जगह, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट है या आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जगह जगह अपने कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, दैट इज जो हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं, जो एक हेल्दी एनवायरमेंट बनाते हैं उस जगह के लिए। तो अगर उनमें अगर कोई भी इम्बैलेंस आ जाए, तो इन्फेक्शन हो सकता है। कोई अनवांटेड बैक्टीरिया अगर उस जगह आ जाए, जो वहां नॉर्मली नहीं होना चाहिए, तो दैट विल कॉज इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, इसका जो मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है, दैट इज ई कोलाई। तो जो यूजुअली नॉर्मली प्रेजेंट रहता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वो एंटर कर जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, मोस्टली एनस के थ्रू एंटर हो जाता है, एनस से फिर यूरेथ्रा के थ्रू एंटर हो जाता है। तो ऐसे वो यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, और फिर वो इन्फेक्शन कॉज करता है। वैसे तो जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट है, वहां पर ऑलरेडी एक शरीर का एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो ऑलरेडी वर्क करता है, कि कोई भी अगर ऐसे बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे जो बाहर के ऑर्गेनिज्म आए, उनको बाहर निकालने के लिए। बट कई बार किसी कारणवश क्या होता है, वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है, जिस वजह से जो अगर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, तो वो इफेक्ट करता है बॉडी को, और फिर वो इन्फेक्शन कॉज करता है।
तो हमने इसमें बात कर ली कि जो सबसे कॉमन जो इसका बैक्टीरियल कॉज है वो है इकोलाई। इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शन की वजह से, कुछ फंगस क्लेमाइडिया वगैरह इनकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इट कैन ऑल्सो अकर आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर कोई भी अगर पार्टनर को अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी एसटीडीज हो रही है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रही है, तो वो एंटर कर सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, फिर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। अब हम जानेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, क्या लक्षण होते हैं इसके। सबसे जो मोस्ट कॉमन इसका जो सिम्टम है दैट इज जो बर्निंग होती है, जलन होती है यूरिन करने के बाद या यूरिन करने से पहले या ड्यूरिंग यूरिनेशन। सो बर्निंग या फिर जो पेन है बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन। इसके अलावा आपको पेन मिल सकता है लोअर एब्डोमिनल रीजन में, या फिर जो किडनी वाला रीजन है पीछे से लेके आगे भी वो एक्सटेंड कर सकता है। जो यूरिन है उसमें आपको हल्का सा पिंकिश कलर, रेडिश कलर मिल सकता है कुछ, क्योंकि अगर ब्लड उसमें निकल रहा है तो ये कलर आपको दिख सकता है, या कुछ क्लाउडी से अगर आपको यूरिन का कैरेक्टर दिख रहा है, कुछ फाउल स्मेल मिल सकती है आपको यूरिन में। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी, जल्दी जल्दी यूरिन आएगी, इनवॉलंटरली खुद ही निकल जाएगी। और अगर जैसे इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का नाम आ गया तो फीवर भी मिल सकता है, और इसके अलावा वीकनेस आपको मिलेगी। ये तो रहे कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप किसी भी यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन अगर होता है तो ये कॉमन सिम्टम मिलेंगे। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कुछ टाइप्स हैं जो डिपेंड करेगा कि कौन से एरिया इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर किडनी का एरिया इफेक्ट हो रहा है तो जिसको हम बोलते हैं पायरोनेफ्राइटिस, अगर उसका एरिया इफेक्ट होगा तो जो आपको सिम्टम्स हैं वो मिलेंगे। अपर जो बैक का एरिया है किडनी का, थोड़ा सा बैक किडनी वाला जो रीजन उसके अपर बैक का एरिया है, वहां आपको पेन मिलेगा। इसके अलावा कुछ ठंड लगेगी, चिल्स मिलेंगे आपको, हाई फीवर रहेगा, नौजिया वॉमिटिंग मिल सकती है। ब्लैडर का अगर इन्फेक्शन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस, अगर ब्लैडर का इन्फेक्शन होगा तो उसमें जो सिम्टम्स मिलेंगे, जो पेल्विक है जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है उसमें आपको प्रेशर फील हो सकता है, बर्निंग मिलेगी यूरिनेशन में। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन जो मिलेगा आपको, जो यूरिनेशन है वो फ्रीक्वेंट रहेगी, दर्द भी महसूस हो सकता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, ब्लडी यूरिन भी मिल सकती है। यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्राइटिस, तो उसमें आपको बर्निंग मिलेगी, पेन मिलेगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, कुछ डिस्चार्ज निकल सकता है, स्मेल आ सकती है। जो भी एरिया इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स आएंगे। ये जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स बताए थे ये मेल्स और फीमेल दोनों में कॉमन है। जो रेक्टम रीजन में पेन है वो मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्टम्स। अगर यूरिनरी जो ट्रैक इन्फेक्शन है वो अगर प्रॉपरली और परमानेंटली ठीक हो गया तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है बहुत रेयरली डेवलप करेगा, एंड इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड देन कैन कॉज सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। लाइक अगर फीमेल्स को अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो रिकरेंट इन्फेक्शन के चांस हो सकती है, उनको हर 6 महीने में बार बार 3 से 4 बार इन्फेक्शन हो सकता है। रिकरेंट और लंबे टाइम तक अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहे तो किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। इसके अलावा जैसे मेल्स में अगर यूरेथ्राइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है, तो यूरेथ्रल जो स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा की नैरोइंग हो सकती है, तो यूरेथ्रा का जो पोर्शन है वो थोड़ा पतला होने लग जाएगा, ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम है तो सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है बॉडी में, विच इज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हम बात करेंगे कि क्या डाइट और प्रिवेंशन का हम ध्यान रख सकते हैं कि हम यूटीआई को प्रिवेंट कर सके। पहला पॉइंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ड्रिंक एज मच एज वाटर यू कैन, क्योंकि उससे क्या होगा जो भी अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं ज्यादा पानी पीने से वो सब फ्लश आउट हो जाएंगे। इसके अलावा जो क्रैनबेरी जूस है इट इज वेरी यूजफुल फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो भी हमने रिस्क फैक्टर्स में बात करें कि कुछ जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं फीमेल्स में जो रिस्क बढ़ाती हैं यूटीआई के लिए, आप उनको अवॉइड करें। आफ्टर एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो यूरिन जरूर करें जो भी फीमेल्स हैं, वो भी इसका रिस्क कम करेगा। और जो भी फीमेल्स हैं जो भी अगर कॉस्मेटिक्स या कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज करती हैं जेनिटल रीजन में, डिओड्रेंट्स हैं या पाउडर कुछ भी है, तो उसको अवॉइड करें क्योंकि वो भी इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप नॉर्मली यूटीआई होने से बच सकते हैं। वैसे तो जो भी सिम्टम्स बताए गए हैं इन सिम्टम्स के थ्रू कंफर्म हो जाता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, फिर भी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके कुछ टेस्ट लिखेंगे, तो इसमें जो कॉमन टेस्ट हो सकते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट है, या यूरिन सैंपल को भेज सकते हैं उसमें आपका जो WBCs हैं वो बड़े आएंगे, या कुछ ब्लड या पस सेल्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर रिकरेंट यूटीआई की दिक्कत हो रही है तो अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो बी यूजफुल।
व्हाई होम्योपैथिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बिकॉज होम्योपैथी जो मेडिसिन होती हैं वो जो वीक हो गया है डिफेंस मैकेनिज्म यूरिनरी ट्रैक का उसको स्ट्रेंथन करती है, और जो भी जो यूरिनरी ट्रैक जो डिफेंस मैकेनिज्म जो क्षमता है जो कमजोर हो गई है किसी भी बैक्टीरिया किसी भी बाहर का जो भी बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है उससे लड़ने की उस क्षमता को वो बढ़ाता है उसको स्ट्रेंथन करता है. तो इट इज अ वेरी सेफ मेथड फॉर यूटीआई और कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रोनिक केस हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज होम्योपैथिक मेडिसिन इज कैंथेरिस जो कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में. इसमें जो आपको सिम्टम्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा बर्निंग मिलेगी आपको बिफोर एंड ड्यूरिंग यूरिनेशन, इसके अलावा कांस्टेंट अर्जिंग बनी रहेगी बार बार इच्छा रहेगी यूरिन पास करने की यूरिनेशन से पहले भी ड्यूरिंग भी आफ्टर भी. इतनी अर्जिंग होने के बावजूद एक बार में सिर्फ थोड़ी सी यूरिन निकलेगी वो भी जो जो लास्ट ड्रॉप्स हैं वो कुछ काफी जो ब्लड है उससे मिक्स हुई मिल सकती है. इसके अलावा बहुत ज्यादा वॉलेंट या कटिंग पेन एकदम चीरता हुआ पेन मिलेगा आपको यूरेथ्रल रीजन में, आपको बैक रीजन में भी पेन मिल सकता है. इसके अलावा आप इसको चाहे यूरेथ्राइटिस है चाहे सिस्टाइटिस है मतलब कि यूरेथ्रा का इन्फेक्शन है या किडनी का इन्फेक्शन है किसी में भी यूज कर सकते हैं. तो ऐसे केस में आप कैंथेरिस 30 को यूज कर सकते हैं दिन में 3 बार एक हफ्ते के लिए. इसके अलावा अगर कोई भी अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में आप कैंथेरिस का मदर टिंचर यूज कर सकते हैं 10 से 15 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार कंटिन्यूस 15-20 दिन तक, उससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा. जो हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है यूटीआई के लिए वो है एपिस मेलिफिका. उसमें भी आपको बर्निंग बहुत ज्यादा मिलेगी पर बर्निंग और जिसमें मिलेगी काफी स्टिंगिंग टाइप की मिलेगी, कुछ चुभन जैसी होगी उसमें और दर्द भी वैसी होगा, अर्जिंग भी काफी रहेगी. इसके अलावा आपको स्वेलिंग मिल सकती है उस एरिया में या थोड़ी देर के लिए भी यूरिन को होल्ड नहीं किया जा सकता इसमें, और जब यूरिन पास होगी तो बहुत ज्यादा जलन और बहुत ज्यादा दर्द होगा. जो भी पार्ट्स इफेक्टेड हैं जो भी एरिया है जो यूरेथ्रा है वो बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी उस एरिया में जब यूरिन पास होगी. यूरिन में आपको इसमें ब्लड भी मिल सकता है और साथ में कुछ सिम्टम्स और भी मिल सकते हैं जैसे कि आपको लोअर आईलिड्स में आपको जो आंखों के जो नीचे वाला एरिया है वहां स्वेलिंग मिल सकती है, प्यास की कमी हो सकती है, प्यास बहुत कम लगेगी. ऐसे केस में आप एपिस का यूज कर सकते हैं. अगर कोई भी एक्यूट केस है यूटीआई का तो इसमें से अगर आप किसी के भी कुछ मेडिसिन के सिम्टम्स हैं उन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, बट अगर कुछ क्रोनिक केस है अगर लंबे टाइम से आपको यूटीआई की तकलीफ है रिकरेंट यूटीआईज होते हैं तो प्लीज कंसल्ट एनी नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें. एक और रेयर मेडिसिन है जो थोड़ी कम यूज की जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए वो है उवा उर्सी. ये उस केस में यूज कर सकते हैं जहां अगर आपको पस मिला है यूरिन सैंपल यूरिन जो एग्जामिनेशन है उसमें पस मिला है ब्लड अगर आया है ब्लड डिटेक्ट हुआ है, इसके अलावा बहुत ज्यादा बर्निंग और इचिंग भी रह रही है पेन भी साथ में प्रेजेंट है फ्रीक्वेंट अर्जिंग हो रही है बार बार यूरिन पास करने की इच्छा हो रही है और साथ में अगर नौजिया वॉमिटिंग मिल रहा है तो ऐसे केस में आप उवा उर्सी का यूज कर सकते हैं. अगर किसी केस में आपको जो भी बर्निंग मिल रहा है जो यूरिनेशन इसके साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग मिल रही है तो पेट्रोसेलिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है इस चीज के लिए. इसके अलावा इसमें आपको बहुत ज्यादा अर्जिंग मिलेगी यूरिन पास करने के लिए, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अगर होता है या किसी को भी होता है और बहुत ज्यादा अर्जिंग होती है और अगर यूरिन नहीं किया जा पाए अगर यूरिन नहीं हुआ तो फिर बहुत ज्यादा वो पेन के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है उछलने लग जाता है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है पेन के कारण. अगर स्पेसिफिकली मेल्स में देखा जाए तो इतना ज्यादा इचिंग और बाइटिंग ऐसी सेंसेशंस रहते हैं यूरेथ्रल रीजन में किसी भी जो हार्ड और जो रफ चीज है कपड़ा है उससे रब करने की इच्छा करती है आराम पाने के लिए. इसके अलावा मेल्स में ग्लीड मिल सकता है मतलब यूरेथ्रल कुछ डिस्चार्ज मिल सकता है नॉर्मल और पेन मिल सकता है एट द रूट ऑफ द पेनिस. तो ऐसे केस में आप पेट्रोसिलिन का यूज कर सकते हैं. अगर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें अगर जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं उसमें डिटेक्ट हुआ है कि ई कोलाई ही ऑर्गेनिज्म में ई कोलाई अगर डिटेक्ट हुआ है तो उसके लिए आप कोलीबेसिलिनम मेडिसिन है वो यूज कर सकते हैं. दैट इज वेरी यूजफुल इन द केस वेयर ई कोलाई इज डिटेक्टेड. इसमें साथ में जो कॉमन सिम्टम्स ही रहेंगे जो बर्निंग हो रही है पेनफुल यूरिनेशन है अर्जिंग हो रही है बार बार यूरिन की. कुछ और कॉमनली यूज जो होती है मेडिसिन वो होती है सारसेपरिला है बोरेक्स है सीटम है टिमेटिस है वो कुछ भी यूज कर सकते हैं फिर वो सिम्टम टू सिम्टम डिफर करेगा. बाकी ये कुछ जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं यूटीआई के लिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. ऐसे ही सभी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू.